अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है आप हमेशा खैरियत रहें, खुश रहें, फिट रहें। सो गाइस, आज अलीना जो रिश्ता लेकर आए हैं आप लोगों की खिदमत में, ये यकीनन हमेशा की तरह आपको पसंद आएगा, जिसकी अपडेट जो है मैं आपको देने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले उन भाई को मुबारकबाद जो कि रिश्ते के लिए सिलेक्ट हुए। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है मुझे सेंड की थी, जिस वजह से इनके रिश्ते की सिलेक्शन हुई। नाम इनका असद साहिब का जो है सियालकोट से है। बहुत बहुत मुबारक हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आपके रिश्ते की सिलेक्शन हो गई है। सो कॉन्ग्रेचुलेट। सो गाइस, आज का रिश्ता लाजमी नोट कीजिए, जो कि एक बहुत प्यारी सी फीमेल का रिश्ता है। बहुत प्यारी हैं, यकीन माने, और शादी करना चाहती हैं। और इनका कहना है कंवारी हूँ, शादी करना चाहती हूँ। और नाम इनका जो है उजाला, शादी करना चाहती हैं। कंवारी हैं, एज इनकी तकरीबन 29 साल। हाइट इनकी 5.5 फिट। रिहाइश इनकी जो है बहुत अच्छी जगह मरी के ये रिहाशी हैं। शादी करना चाहती हैं किसी भी कास्ट से। इनको अच्छा रिश्ता दरकार है। और इनका कहना है कि हम 5 बहनें हैं, हमारा भाई नहीं है। और मेरे वाले साहब चाहते हैं कि हमारी बेटियों को ऐसे शोहर मिले जो मेरे बेटे बन के रहें। मैं ये नहीं चाहता कि कुछ दे मुझे। मेरा मतलब कहने का ये है कि मेरे बेटे बनकर रहें, मेरी बेटियों को हमेशा खुश रखें, हमारी इज्जत करें, मेरी बेटियों की इज्जत करें, बस सदा हमारी बेटियों को खुश रखें। तो मतलब ये होगा कि वो हमारे बेटे ही हैं, यानी लड़की के माँ बाप के। सो गाइस, अगर आप में से किसी को ये पसंद आती हैं तो आपने मुझे लाजमी बताना है। बहुत प्यारी सी हैं। और इनका कहना है कि चाहे रिश्ता इनको पाकिस्तान में मिले या पाकिस्तान के बाहर, इनको मंजूर है। लेकिन लड़का लाजमी नेक होना चाहिए, शरीफ होना चाहिए, वाइस रोज़गार होना चाहिए, नेक सीरत सूरत का होना चाहिए, तो वही लड़का जो है रब्ता कर सकता है। सो गाइज़, अगर आप में से किसी को भी ये पसंद आते हैं तो आपने मुझे लाजमी बताना है कमेंट करके। जो मेरे भाई जल्द कमेंट करेंगे उनके रिश्ते की सिलेक्शन जल्द हो सकती है। सो गाइज़, फिर भी आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हम आपसे कैसे रब्ता करें। और गाइज, बहुत सारी वीडियोस में ये बात आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपने मुझसे कमेंट के ज़रिए रابطہ करना है। और जब तक आप अच्छे तरीके से मुझसे रابطہ नहीं करेंगे, कमेंट के ज़रिए अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मुझे सेंड नहीं करेंगे, तो तब तक आपके रिश्ते की सिलेक्शन नहीं हो सकती। आप खुद समझदार हैं, जहाँ कहीं भी आप रिश्ते के लिए जाएंगे, अपने रिश्ते के लिए या अपने रिलेटिव्स के रिश्ते के लिए, तो क्या आपसे पूछा जाएगा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, या जिसका रिश्ता आप लेकर जा रहे हैं उसकी। इसलिए रिश्ते का असूल यही है और हमारा भी यही असूल है कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है अच्छे तरीके से सेंड किया करें, ताकि आपके रिश्ते की जो सिलेक्शन है हो सके। सो गाइज, अगर आज का रिश्ता आपको अच्छा लगा हो तो लाजमी आपने मुझे बताना है। इनकी कोई डिमांड नहीं, बस लड़का अच्छा होना चाहिए, बेटा बन के रहे, तो वही लड़का जो है रब्ता कर सकता है। सो गाइस, कल की वीडियो तक ले देनी है आपने मुझे इजाज़त। कल नए रिश्ते के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा आपकी होस्ट अलीना हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।